छत्रपति संभाजीनगर मधील वेरूळ येथे पार्श्वनाथ ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुल आणि चतुर्मास कमिटीच्या वतीने विविध धार्मिक सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन पार्श्वनाथ ब्रह्मचार्य आश्रम गुरुकुल येथे करण्यात आले आहे। हे कार्यक्रम 13 ऑगस्ट पासून सुरू होणार आहे, त्या संदर्भात पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली आहे। बहुत सारे कार्य यहां पर होंगे जो जन सेवा के लिए जन जन के लिए यानी उपलब्धि कराने वाले और उसके कल्याण करने वाले हैं। 13 और 14 तारीख को अगस्त को यहाँ पर जो आपको एक हरा हरा सा फोल्डर दिया निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर जहाँ चिकित्सा शिविर जिसमें आयुर्वेद से जो हमारी भारतीय पद्धति है उसके माध्यम से यहाँ इलाज करने के लिए देश के विभिन्न कोनों से लगभग 20 यहाँ पर MD और BMS किए हुए चिकित्सक सब डिग्री होल्डर हमारे गुरु जी ने इसके लिए जबलपुर में पूर्ण आयु के नाम से एक बहुत बड़ा वहां पर युवक और युवतियां पढ़कर आगे हमारी इस भारतीय परंपरा को और जीवित रख सके। एलोपैथी हमारी दवा नहीं, लक्ष्मीबाई का वो उदाहरण याद रखो कि बेला में ही एक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो एक राष्ट्र हमारा ध्वजारोहण के साथ में यह संपन्न होगा। उसके बाद में 18 तारीख को समंत भद्र स्वामी जो इस पूरे के पूरे गुरुकुल के संस्थापक है आचार्य समंत भद्र महाराज विद्यालय से 1300 विद्यार्थी जो इस यहाँ पढ़ते हैं उस विद्यालय के भी वो संस्थापक है, उनका समाधि दिवस है और उस कार्यक्रम को विद्यार्थी समारोह जिसमें जो प्रतिभावान विद्यार्थी है उनका सम्मान किया जाता है क्योंकि आज प्रतिभा तारीख को हमारे पूज्य ज्येष्ठ जो महाराज जी यहाँ पर है दुर्लभ सागर जी महाराज उनका दीक्षा दिवस 20वां दीक्षा दिवस है और 23 तारीख को यहाँ जो मूल लाइन चिंतामणि 23वें तीर्थंकर तारीख भी 23 साल भी 23 तीर्थंकर भी 23 23वें तीर्थंकर का भव्य यहाँ पर मोक्ष कल्याण मनाने जा रहे हैं। उनका निर्वाण कल्याण तिथि है जिसमें यहाँ के आसपास के क्षेत्रों से पदयात्री यहाँ पर पैदल आएंगे और पहाड़ पर चढ़कर वहां पर निर्वाण लाडू चढ़ाकर अपनी विनयांजलि प्रभु के चरणों में प्रस्तुत करेंगे और उसी के साथ में प्रवचन भी होंगे। 30 तारीख को यहाँ पर 30 अगस्त को जो है रक्षाबंधन पूरा देश मनाता है, हर गांव गांव हर जाति जाति संप्रदाय में यह पर्व जो वात्सल्य का प्रतीक है एक दूसरे के प्रेम का प्रतीक है उस प्रेम के प्रतीक का यहाँ पर 700 मुनि महाराजों पर जो उपसर्ग हुआ उस उपसर्ग को दूर हुआ तो यहाँ उनकी पूजा होगी और प्रवचन होगा। इस प्रकार से अगस्त माह की पूर्णिमा तक पूर्णिमा के दिन ही 1008 मंत्रों के द्वारा ऊपर भगवान पर शांति धारा अभिषेक होता है